मतलब सोच लो, बीच में जब 10 बजे में आया था तभी करंट नहीं था, मतलब 9 से 10 बजे तक 1 घंटा घर में था विदाउट करंट विदाउट ब्रेकफास्ट। आज अभी तक स्टिल नाउ मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया। अभी तक ये पहुंचा नहीं है कि लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग होता क्या है। सब सोचता है लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग मतलब अच्छा अच्छा खाना, अच्छा अच्छा गाड़ी दिखाना, अच्छा अच्छा घर दिखाना, ये सब। लेकिन नहीं, लाइफस्टाइल ब्लॉग हाँ हो सकते हैं, तुम शो ऑफ कर सकते हो, लेकिन पहले लाइफस्टाइल ब्लॉग अपना लाइफस्टाइल सबके पास रिप्रेजेंट करना होता है पहले, उसके बाद जाके तुम अच्छा अच्छा चीज़ आप लोग दिखा सकते हो। ये होता है बेसिकली लाइफस्टाइल ब्लॉग। लेकिन बहुत सारे लोगों को अभी तक पता नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी तक शायद से एमएसके का वीडियो नहीं देखता है, निखिल का वीडियो, मुंबई के निखिल का वीडियो नहीं देखता है। ऐसा होता है, बहुत सारा लोग अभी तक बंगाली में लेजी बॉन्ग इन लोगों का वीडियो नहीं देखता है बहुत सारा लोग। तो उसमें क्या होता है कि लोग जान नहीं पाता है कि लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग एक्चुअली है क्या। सो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। मैं हूँ आपका बॉम बाइसेप्स और आज का मजदूरी यहीं से। ये ग्लोइंग लाइट से कितना प्यारा वीडियो बनता है, मतलब इतना दिन से मैंने आइडिया भी नहीं किया था और इतना दिन से मैंने वीडियो बनाया भी नहीं था। सो मैं अभी रिसेंटली ये वाला लाइट को निकाला और ये वाला जब से मैं बोला कि ये वाला मेरे को गिफ्ट में मिला है, उसके बाद मैंने ट्राई किया कि इसको सेट करके रखूँ, जब भी वीडियो बनाऊँ थोड़ा थोड़ा करके बनाऊँ। अभी रील्स में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि रील्स के लिए भी 1 मिनट के लिए भी सोचना पड़ेगा। सो मैं वही सोच रहा हूँ कि रील्स कैसा कैसा वीडियो बनाऊँ वो पहले सोच लेता हूँ, उसके बाद ही एक एक करके रील्स बनाऊँगा। बंगाली में ब्लॉग बनाऊँगा, सडनली मैं हिंदी में ब्लॉग बना रहा हूँ। एक्चुअली क्या हुआ, मेरे पास हर एक सब्सक्राइबर काउंट मतलब बहुत कीमती है, बहुत ज़रूरी से ज़्यादा कीमती है मेरे पास। सो मैं देखा जब भी मैं बंगाली में ब्लॉग बनाया, इससे पहले भी अभी भी मेरा सब्सक्राइबर कम हुआ, एक सब्सक्राइबर कम हो गया। सो इसलिए मैं हिंदी में ब्लॉग करा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारा सब्सक्राइबर कोई ऐसा भी है कि हिंदी से छोड़ के कुछ भी समझ नहीं आएगा। सो इसलिए मैं हिंदी में बना रहा हूँ। हाँ, मैं घर में जब भी बात करूँगा मैं बंगाली में बात करूँगा, वो थोड़ा एडजस्ट कर लेना, लेकिन मैं आपको वो ट्रांसलेशन करके दूंगा कि वो बंगाली में क्या बोले, एटलीस्ट आप लोगों को समझ में आए, क्योंकि मेरे पास हर एक सब्सक्राइबर कीमती है। अभी मेरे को जाना पड़ेगा ऑफिस का मीटिंग में और मेरा कपड़ा वगैरह सब कुछ भीगा हुआ है। मैं सोच रहा हूँ वही अगर सूख गया होगा थोड़ा बहुत कुछ भी पहन के एटलीस्ट जा सकता हूँ। सब कुछ जितना भी है, सब कुछ कपड़ा वगैरह सब कुछ भीगा हुआ है। कल रात को पीयू ने धो दिया था, मैं सोचा एटलीस्ट सुबह तक सूख जाएगा, लेकिन तो चलो ये वाला तो सूख गया है, लेकिन फिर भी इसको पहनूंगी कैसे, ये वाला पहन के फ़ायदा नहीं है, दूसरा कुछ देखना पड़ेगा मेरे को। हे, घर में एक पैंट है, लेकिन पैंट के अंदर पहनने वाला जो चीज़ वो सबसे ज़्यादा भीगा हुआ है। सब पूरा लाइन से पूरा यहाँ पे ही बाहर है मेरा, जितना भी अंडरवेयर है सब कुछ बाहर है। एक्चुअली डेली ब्लॉगिंग वही बना सकता है जो वीडियोग्राफी करने में एंड डेली मतलब छोड़ दो, बकबक करने में माहिर है। तो मैं तो बकबक करने में माहिर हूँ, एक बार मेरा रेडियो ऑन होता है तो बंद नहीं होता है, और वीडियो तो ऐसे ही, मैं वीडियो हमेशा कहीं जाता हूँ तो वीडियो वगैरह बनाता रहता हूँ। सो इसलिए डेली ब्लॉगिंग मेरे को अच्छा लगता है। सो मैं यही इन्फ्लुएंस करना चाहता हूँ कि सभी को कि डेली ब्लॉग क्या है, क्या चीज़ है, ये सभी के पास एक एक घर में, जिन लोगों को अभी तक पता नहीं है कि डेली ब्लॉगिंग असल में होता क्या है, उन लोगों को इन्फ्लुएंस करना, उन लोगों को बताना कि डेली ब्लॉगिंग ये था। ऊपर धूप के ऊपर कोई भरोसा नहीं, मैं बोल दिया, फिर भी देखो रास्ता भीगा हुआ है, मतलब ऑलरेडी धूप निकला हुआ है फिर भी बारिश ऑलरेडी हो चुका है यहाँ पे, मतलब कोई भी भरोसा नहीं, कभी भी बादलों के अंदर छुप सकता है। सो घर आते साथ मैंने सोचा कि थोड़ा सा हवा चलेगा, थोड़ा सा एटलीस्ट लाइट रहेगा तो मैं ब्लॉग बना पाऊंगा, लेकिन करेंट ही ऑफ है, मतलब इतना गर्मी बाहर, इतना फार के गर्मी दे रहा है,
उसके बीच करंट ऑफ है, मतलब यहाँ पे ये तो रोज़ का, जो मेरे को डेली ब्लॉग में जानता है उन लोगों में पहले भी ब्लॉग में बता चुका हूँ कितना करंट यहाँ पे अप एंड डाउन मतलब फ्लक्चुएट होता रहता है, जाता है आता है जाता है आता है। सो एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होता है, इतना गर्मी में अगर करंट चला जाता है ना उसमें ही प्रॉब्लम हो जाता है। एटलीस्ट वो हवा चलेगा तो ठीक है, लेकिन ये गर्मी में मेरा घर के सामने ठीक है खाली है, हवा चलता है, मैं आता है, लेकिन बाकी लोगों का क्या हाल होता है, पूरा एकदम गर्मी में फाड़ देता है पूरा। सिस्टम है उसमें अभी एडिट करने के लिए बैठने के लिए मेरे को नेट चाहिए, और नेट अभी नहीं है क्योंकि फिलहाल करंट ऑफ है। करंट ऑफ पिछला मतलब 9 बजे मैं घर आया, 9 बजे से मैं देख रहा हूँ ये पूरा ऐसे ही पड़ा है ऑफ होके, 1 घंटा हो गया ऑलमोस्ट, 10:05 हो गया, अभी तक करंट का कोई नामो निशान नहीं है। टाइम टू टाइम हम लोग बिल भरते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन देखो कैसा हालत है। मतलब एक चीज़ यहाँ का मेरे को गुस्सा आता है, ये सबसे बड़ा बात है कि करंट ऑफ हो जाता है, और ऐसा सिचुएशन है आज का डेट में, करंट अगर थोड़ा देर के लिए भी नहीं रहेगा ना बहुत भसड़ मच जाता है एकदम। सबसे बोरिंग यही लगता है जब करंट चला जाता है, एकदम बोरिंग। फिलहाल चलो भाई मेरा नेट काम कर रहा है, एटलीस्ट मुंबई से निकल कर वीडियो में देख सकता हूँ, क्योंकि ये वाईफाई नहीं, मेरा नॉर्मल नेटवर्क काम कर रहा है करके मैं देख सकता हूँ, वाईफाई का तो कोई सवाल ही नहीं उठता करंट नहीं है तो। कोई एग्जैक्ट पता नहीं मेरा नींद आएगा ये मेरे को ज़रूर पता है, मैं ऑलमोस्ट एक तगड़ा नींद लगा दिया, मैं एटलीस्ट 15 मिनट का एक तगड़ा नींद लगा दिया, फिर भी करंट अभी तक नहीं आया, और भी सो जाऊँ, पीयू निकलेगा, नहा के निकल जाएंगे ऑफिस के लिए, आज का टिफिन हो गया मेरा स्किप, और कुछ नहीं कर सकता। इतना सोच के ये सब खाने को बाहर रखा कि चलो टिफिन करके जाएंगे, लेकिन करंट ही नहीं आया, बाहर रखा, अभी फिर से फ्रिज में डालना, बोलो कि खाना खराब नहीं होगा क्या। हवा चला और थोड़ा सा आराम लगा, क्योंकि सुबह जब मैं 7 बजे बोल रहा हूँ, हाँ 7 बजे जब मैं घर से निकला तभी करंट था, और अभी आके 1 बज रहा है, अभी आके देख रहा हूँ करंट है। मतलब सोच लो, बीच में जब 10 बजे मैं आया था तभी करंट नहीं था, मतलब 9 से 10 बजे तक 1 घंटा घर में था विदाउट करंट, विदाउट ब्रेकफास्ट। आज अभी तक स्टिल नाउ मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया, सिर्फ ये लोड शेडिंग के लिए, और सस्ते में पॉम्परेट मिल गया। पॉम्परेट बेसिकली हम लोग का कोलकाता में बहुत महंगा होता है, महंगा मतलब बहुत ही महंगा होता है। सो यहाँ पे आज अभी गया था क्योंकि घर में मच्छी हो गया, मैं विदाउट फिश, मैं एकदम प्योर नॉन वेज हूँ, सो विदाउट फिश और विदाउट चिकन मैं खा नहीं सकता। बीच में सोचा था कि थोड़ा नॉन वेज खा लूँ, लेकिन ऐसा हो जाता है, मैं अगर नॉन वेज खाने का बात करूँ तो बिल्ली को बोला जाता है कि तुमको चिकन देके गया है, तुमको फिश देके गया है, उसका ख्याल तुम रखो, ऐसा हालत हो जाएगा मेरा। सो मैं छोड़ नहीं पाया, सो इसलिए मैं नॉन वेज ही हूँ, वेज प्योर वेज नहीं बन पाया, कोशिश किया था हो जाऊँगा लेकिन नहीं हो पाया। सो फिलहाल ठीक है छोड़ दो, अभी मेरे को मिला था ये फिश, ये मैं लेके आ गया, मेरे को 200 रुपये करके कुछ मिला, हम लोग का कोलकाता में 350 रुपये कुछ इसका प्राइस है, मतलब कितना महंगा सोच लो। और ये देखो अच्छा खासा साइज का मेरे को मिला बड़ा वाला, और अभी इसको फ्राई करेंगे तगड़ा वाला, तो मैं अच्छा सा रिमिक्स बना सकता हूँ, फिश मिला बड़ा वाला, इसको फ्राई करेंगे तगड़ा वाला, अच्छा खासा कॉम्बिनेशन है भाई। सो अभी ये सब फिश को अच्छे से हम लोगों को धो लेना है पहले, क्योंकि अभी बाहर से खरीद के लाया, तो इसको अच्छे से नहीं धोएंगे तो इसमें इसके अंदर जो मतलब क्या बोलते हैं उसको बंगाली में आश बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलता है मेरे को एग्जैक्ट पता नहीं,
वो चीज़ अगर नहीं धोएंगे तो नहीं जाएंगे, तो खाने में क्या होगा, प्रॉब्लम हो जाएगा, उतना खास टेस्ट नहीं लगेगा और थोड़ा सा कैसा मतलब मुँह में करता रहना पड़ेगा, ऐसा हो जाएगा। भाई फिलहाल मैं इसको धो लेता हूँ, तब तक आप लोग एक काम करो, चैनल को फटाफट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो तो मेरे को थोड़ा सा खुशी मिल जाए। धो के रेडी हो गया है, अभी इसमें हम लोग थोड़ा सा हल्दी डालेंगे। हल्दी इसीलिए डाला जाता है इसमें क्योंकि इसके अंदर जो भी पॉइजनस कुछ भी रहता है तो वो साफ हो जाता है, और टर्मरिक से क्या होता है जितना भी इसका जो अलग स्मेल है वो स्मेल से मच्छी का जो स्मेल रहता है एक अलग से स्मेल रहता है फिशेस का, वो स्मेल खराब हो जाता है ताकि खाने के टाइम कुछ प्रॉब्लम ना हो। एक्चुअली अगर स्मेल देखा जाएगा तो ये बहुत ही अच्छा होता है क्योंकि खाने के टाइम एक स्मेल रह जाता है, वो स्मेल अगर रहेगा तो खाने में अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए थोड़ा सा टर्मरिक डाल दिया जाता है। हाँ, जीभ से जो खून निकल रहा है ना अभी, प्यार का चक्कर, बीबी का इतना प्यार जीभ से निकल रहा है, खून निकल गया। पूरा खून निकल गया, देखो मैंने थोड़ी प्यार नहीं किया। एज यूजुअल जैसे हम लोग आते हैं डेली वॉक करने के लिए, आज भी आ गए, लेकिन आज थोड़ा लेट हो गया, इसलिए मेरा जैसे बोला कि मेरा टंग थोड़ा कट गया, इसलिए थोड़ा सा हम लोग झगड़ा नहीं, ऐसे ही हंसी मजाक कर रहे थे, हंसी मजाक में खच कट गया। फिर थोड़ा शुगर दिया क्योंकि शुगर में क्या होता है वो खून निकलने से वो अटका देता है, सो थोड़ा सा शुगर दिया, थोड़ा सा घर में रुका, फिर आया चलने के लिए। अभी कंटिन्यू फ्लैग पॉइंट, यहाँ पे दो बार राउंड चक्कर, उसके बाद सीधा घर, खाना खा के कल सुबह काम।